जल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ये वो अकीदा है जो हमारे रसूल इस्लाम ने हमें अता फरमाया, ठीक है, हमारे रसूल इस्लाम और इस्लाम का तसलसल 1400 साल से इसी पर है। और हम खुद आले सुन्नत व जमात हनफी और हजरत सैयद आला हजरत इमाम अहमद ज़खा रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मुतअल्लिकीन मुहिब्बीन हम सब यहाँ मौजूद हैं, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह जल्ला वाला वहदहू ला शरीक है। और किस में? न उसकी ज़ात में, न सिफात में, न अफ़ाल में, न अहकाम में, न अस्मा में उसका कोई शरीक नहीं है। उसकी ज़ात कदीम है, इसी तरह उसकी सिफात भी कदीम है, यानी कि जैसे जब से उसकी ज़ात है तब से उसकी सिफात, ठीक है। अल्लाह जल्ला वाला की सिफात का मुतलकन इनकार करे कोई तो काफिर हो जाएगा, और अगर कोई मखलूक बताए या हादिस कहे यानी कि पहले नहीं थी और बाद में वजूद में आई, अगर कोई बंदा ये कहे, हमने जैसे कहा कि जब से उसकी सिफात है ज़ात है तभी से उसकी सारी सिफात है, अगर कोई बंदा उसकी सिफात में से किसी सिफत को या सिफात को मखलूक कहे या हादिस बताए कि अल्लाह ने तख्लीक फरमाई और फिर अपने साथ शामिल कर ली, या हादिस कहे कि बाद में वजूद में आई, तो वो बंदा गुमराह है, ठीक है। फिर कलाम बारी तआला अल्लाह जल्ला वाला का जो कलाम है वो कदीम है, और जो हम कलाम पढ़ते हैं हमारा पढ़ना हमारा लिखना हमारा सुनना ये सारे का सारा क्या है? हादिसी है। कलाम बारी तआला चूंकि अल्लाह की सिफत है और सिफत अल्लाह ताला की क्या है? कदीम है, इस लिहाज से। और फिर रब कायनात जल्ला वाला जो सुनता है, जो देखता है, जो हई है, जो इलम रखता है, जो इरादा फरमाता है, तो इन सब चीजों के लिए रब जल्ला वाला को जिस्म की कोई जरूरत नहीं है, वो जिस्म से पाक है, ये आपने अपने ज़हन में रखना है। और फिर आखिर में हमने ये पढ़ा कि अल्लाह जल्ला वाला का जो इलम है वो हर शय का इहाता किए हुए है, उस शय में जितनी भी जुजियात हैं, मुमकिनात हैं, मादूमात हैं, मुहालात हैं, जो कुछ भी है रब जल्ला यानी कि जिस शय ने होना है और जिस शय नहीं होना, या जो हो चुकी या जिसने अभी बाद में होना है, रब जलाल उन सबको जानता है। अल्लाह जल्ला वाला का जो इलम है, ये सिफात है, वो उसकी जाती है, किसी की अता करदा नहीं है। और फिर हमने ये पढ़ा कि रब कायनात जल्ला वाला ने तकदीर का फैसला मामला फरमाया, और उस तकदीर में क्या है कि अपने इल्म अजली से बंदे के मुतालिक जाना और फिर उसको लिखा, ठीक है। इस लिहाज से बंदा ना मजबूर है ना मुतलकन आजाद है। ये था आज का मामला जो आज हमने सिफात बारी तआला के बारे में आपके सामने बयान किया, खालिक कायनात जल्ला वाला की जो सिफात है। और इसमें ज़मीरन हमने साथ ये भी अर्ज कर दिया कि सिफात बारी तआला जो है वो उसकी अपनी जाती है, और मुशरिकीन जो मामला करते हैं अपने बुतों के एतबार से वो ये होता है कि वो अपने तई बुतों में उन सिफात को गुमान कर लेते हैं कि ये सिफात यहां भी पाई जाती हैं, तो इस तरह का मामला क्या होगा? शिर्क की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जहां तक ताल्लुक है अल्लाह ताला के मुबारक महबूब बंदों में से अल्लाह जल्ला वाला किसी पर खुद अपनी सिफात का इतलाक फरमाए, तो वहां पर वो इतलाक क्या होगा? मजाजी होगा। ये आपने अपने ज़हन में रखना है, अल्लाह ताला की जो सिफात है वो जाती है, और बंदे पर अल्लाह की सिफात का अगर इतलाक होगा तो किस सूरत में होगा? महज मजाजी सूरत में। और वो मैंने मिसाल आपके सामने रख दी कि पानी का चलना जो है, पानी का चलना, तो पानी के चलने को अगर किश्ती जो है उस पर अगर ये बयान कर दिया जाए कि पानी का चलना सिफत जो है वो असलन किसकी थी? पानी की थी। तो अगर शुमार कर लिया जाए कि किश्ती चल रही है तो किश्ती तो चलने वाली नहीं है, असलन पीछे पानी चल रहा है। इसी तरह अगर किसी बंदे को कह दिया जाए कि फला बंदा फरियाद रस है, इसका मतलब क्या है? रब कायनात जल्ला वाला ने उसके अंदर ये सिफत, और फिर मैं यहाँ पे रुक कर थोड़ा सा आपके सामने ये कर दूं, अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए ये शान रखी है कि इस उम्मत में अल्लाह ताला ने अपने बंदों में से बाद बंदों को ये शान अता फरमाई है कि उन बंदों के जरिए बंदों की हाजात को पूरा फरमाता है। हालांकि ये याद रखें, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला को बंदों की हाजात पूरा करने के लिए बंदों की हाजत नहीं है, लेकिन उसने महज अपने फजल से इस उम्मत के अंदर ये मामला रखा कि बंदों के मामलात की तकमील के लिए, वो मामलात की जो है वो पूरा करने के लिए बंदों को उनके दरमियान में वो बनाया। उससे कैफियत क्या है? एक तो बंदों की शान बुलंद करना मकसूद है, वो बंदे जो सरकार की गुलामी में है उनकी शान बुलंद करना मकसूद है, और दूसरा बंदों की हाजात को मुकम्मल करना मकसूद है। ये अल्लाह ताला ने एक कैफियत बना रखी है बिला तशबीह, इसको अगर आप समझे तो ऐसे
कि जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम हदायत देना अल्लाह तआला वाला की सिफत है कि वही हदायत देता है, लेकिन निजामे हदायत में अल्लाह तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला रखा कि हदायत को इनके जरिए वाज़े किया गया। इसी तरह जो है वो औलिया कामिलीन के उलमाए सालेहीन हैं कि उनके जरिए अल्लाह तआला अगर राहें खोलता है तो वो महज राहें खोलने वाले हैं, असल राहों को मुकम्मल करने वाला अल्लाह जल्ला वाला है। और आखिर में ये अकीदा कि रोजी पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह जल्ला वाला। कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो असबाब हैं। वो क्या है? असबाब है, यानी कि जमीन से पैदा होना और फिर हम तक पहुंचना, या फर्द का कोई शय बनाना हम तक पहुंचना, ये असबाब है। हम असल मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह जल्ला वाला की ज़ात है। ठीक है, यहां पर आखिर में मैं एक और मिसाल दूंगा और बात खत्म करेंगे। मोमिन पर शिर्क का गुमान नहीं किया जाएगा। मोमिन पर जो कलमा पढ़ने वाला है हत्तलमकान उस पर शिर्क का गुमान नहीं किया जाएगा। उसकी एक मिसाल देता हूं फिर हम बात खत्म किए देते हैं, क्योंकि बातें कुछ ऐसी हैं जो मिसालों के बगैर समझ आने वाली थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए मिसाल दे रहा हूं। देखिए, दो बंदे हैं, एक है दहरिया। मैंने पिछले इंशिस में अर्ज कर दिया था कि दहरिया कौन होता है। दहरिया वो होता है जो खुदा ताला जल्ला वाला का वजूद इसका इनकार करता है, कहता है कुदरत कायनात का निजाम खुद बखुद चल रहा है, वो दहरिया होता है। और एक है मुसलमान। दहरिया आके कहे कि भाई मुझे मेरी जमीन ने बड़ा फल दिया, मुझे मेरी जमीन ने बड़ा फल दिया। और मोमिन मुसलमान आके कहेंगे मेरी जमीन पे बड़ा फल हुआ है, या मुझे मेरी जमीन ने बड़ा फल दिया। आप मुझे जरा सोच के बताइए, क्या दहरिये का और मोमिन का कलाम दोनों का एक जैसा गुमान किया जाएगा? ठीक है, दहरिया वो तो वो है जो खुदा ताला के वजूद का इनकार करता है और कहता है कि कायनात का निजाम अस्खुद चल रहा है। ठीक है, और मोमिन उसका तो ये यकीन है कि कायनात का निजाम किसी एक के चलाए से चल रहा और जो एक है वो अल्लाह ताला है। ठीक है, तो मोमिन के बारे में क्या गुमान दिया जाएगा? मोमिन के बारे में ये गुमान होगा कि अल्लाह ने मुझे मेरी जमीन से बड़ा फल दिया। समझा गए ना? मिसाल जो आपको समझा रहा हूं समझा गए ना? कि मोमिन अगर आके कहेगा कि मुझे मेरी जमीन ने बड़ा फल दिया तो इसके मुराद क्या होगा? अल्लाह ने मुझे मेरी जमीन से बड़ा फल दिया। और दहरिया अगर कहेगा तो क्या, वो क्या उसका क्या होगा? क्योंकि वो अल्लाह ताला पे जो वो गुमान यकीन रखते ही नहीं है, इस लिहाज से उसका कलाम उसी शय तक उसी जात तक महदूद होगा जिस जात के बारे में कलाम करता है। ऐसे ही अगर कोई मोमिन आके ये कहे कि मुझे फलां शेख ने यह शय दी है या मुझे दाता ने बेटा दिया है, ये अगर कहे, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं, अगर कोई ये कहे कि मेरे दादा ने मुझे बेटा दिया है तो ये गुमान कर लेना चाहिए कि ये इस अकीदा ये है कि अल्लाह जल्ला वाला ने इनके जरिए इनको बेटा अता फरमाश। उसके कहने का यही से जो वो होगा असल उसके कहने का कि मुझे इस शख्स के जरिए अल्लाह ताला ने बेटा अता फरमाया। असल ये है, क्योंकि हक तलमकान मोमिन के कलाम की ताबीर करनी चाहिए कि दुरुस्त ताबीर कि इसके कलाम के पीछे असलन क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। मोमिन के कलाम के बारे में यह गुमान किया जाए, ना कि उसके बारे में शिर्क गुमान कर लिया जाए। ये जो आजकल जो हवा चल पड़ी कि आम मुसलमानों के बारे में, वो रेडी लगाने वाला जो बाहर बैठा है किसी भी मिसाल के सामने, उसको बिलफर्ज इस्तंजा की भी खबर नहीं है। आप उससे पूछें कि तू किसकी इबादत करता है, और जिसकी बाहर तो रेड लगा के बैठा है, क्या इसको अपना माबूद मानता है? हरगिज नहीं। वो कहेगा ऐसा हरगिज नहीं। तो ये एक मोमिन के बारे में ताबीर ये करनी चाहिए जब भी वो कोई कलाम करे, अगर कलाम हो हमारे जहन से ऊपर तो फौरन ताबीर की जाएगी कि इसका कलाम ऐसा खैर पर मबनी होगा। और अगर जो है वो कहीं कोई ऐसा मामला हो तो उसको समझाया जाए कि ये मामला आप ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है जनाब, तो ये था हमारा अल्लाह जल्ला वाला ने इस कायनात में जो असबाब पैदा फरमाए, यकीनन उन असबाब की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, लेकिन बंदा मोमिन की असलन तवज्जो किसकी ज़ात पर हो? अल्लाह जल्ला वाला। ठीक है, आखिर में एक वाक्या अर्ज़ देता हूँ फिर हम बात को खत्म करते हैं। वाकया ये है, अल्लाह की बारगाह में एक बुजुर्ग आए तो आपने पूछा जरा बताइए बारिश होगी कि नहीं। वो इल्मे जफर के बड़े माहिर थे, उन्होंने हिसाब किताब लगाया और कहा कि अभी सूरज फलां साथ में है तो इस लिहाज से अभी बारिश होने के इम्कान नहीं। ठीक है, यकीनन हम बुजुर्गों को मानते हैं, ठीक है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से इस कायनात के अंदर सबब है, लेकिन यकीन उन बुजुर्गों के जरिए अल्लाह पर ही कामिल होना चाहिए। क्योंकि वो चाहेगा तो ये अता करेंगे, समझा गया ना? ये नहीं कि ये दुआ करेंगे तो अल्लाह मजबूर हो जाएगा,
वो चाहेगा तो ये अता करेंगे, ये होना चाहिए, समझा गया ना, वो चाहेगा तो ये अता करेंगे, ये होना चाहिए, ठीक है, ना कि ये जरूर ब जरूर कि वो ना भी चाहे तो ये अता करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ये भी मैं इंशाल्लाह आगे हम चलेंगे तो ये बात वाज़ह कर दूंगा कि ये किसी भी की मामले में तब चाहेंगे जब वो चाहेगा, इनके बुजुर्ग जो है वो किसी की भी मामले में तब चाहेंगे जब अल्लाह ताला इजाजत देगा, वगैरह उसकी तरफ रुख ही नहीं करेंगे, समझा गया ना। हाँ, ये क्योंकि हमारा अकीदा बिल्कुल वाज़ह है और हमें अपने अकीदे की खबर होनी चाहिए माँ दलायल कि ये तब चाहेंगे जब वो चाहेगा, समझा गया, और उसके चाहे बगैर ये कुछ भी नहीं चाह सकते, क्योंकि हदीसी में आता है बुजुर्गान दीन की मामला मौजूद है कि वो कुछ भी करने से पहले इस्तखारा फरमाते हैं और अगर अल्लाह ताला की इजाजत दे तो वो काम करते हैं मगर नहीं करते। सही है। अच्छा, वो वाकया अर्ज कर रहा था, सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के पास बुजुर्ग आए तो उनसे पूछा, कहने लगे कि नहीं मुमकिन, बारिश अभी नहीं, आप उठे, और उस वक्त घड़ियाल होते थे मस्जिदों में, आप जानते हैं घड़ियाल बड़े बड़े पेंडुलम चंदिस में होता था और घड़ियाल, आप वहां पे गए, आपने उसका दरवाजा खोला और जो सुइयां थी अभी 12 बजने में कुछ 40 मिनट या 20 मिनट बाकी थे, ठीक है, आपने वो जो छोटी सुई मिनटों वाली थी उसको ऐसे हाथ से पकड़ा और ऐसे 12 तक ले गए, आपने फरमाया कि कोई शक नहीं है कि जो निजामे कुदरत है वो यही है कि मिनट पूरे होते 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 12 हो जाए, लेकिन अल्लाह इस बात पे कादर है कि लम्हे गुजारे बगैर 12 घंटे, ठीक है ना। इसी तरह अल्लाह जल्ला वाला इस बात पे कादर है कि वो बगैर सबब किए शैता फरमा दे, ठीक है ना। तो ये हमें यकीन करना चाहिए, सबब पर यकीन रखें, लेकिन सबब से ज्यादा यकीन किस पर हो, बल्कि कामिल यकीन अल्लाह ताला जल्ला वाला पर हो कि वो चाहेगा तो ये जरूर अता फरमा दे, समझा। ये बात अपने जहन में अपने वाजे रखनी है, क्योंकि बहुत सारे मैंने पहले भी अर्ज किया था, फिर अर्ज किए देता हूँ, इस जो मैंने आज मौजू बयान किया इसके लिहाज से माशरे के अंदर बहुत सारी कशमकश है, और इस कशमकश जो है वो अपने जहन में वाजे रखना ये जरूरी है। जब भी कोई मामला हो तो फौरन आप अपने जहन में ये रखें कि आले सुन्नत व जमात हम हनफी किसी भी फर्द पर अल्लाह जल्ला वाला की जैसी सिफात का इतलाक नहीं करते, उसकी सिफात उसकी अपनी है, और वो अगर चाहे अपने फजल से अपने बंदों को अता फरमाए तो बंदों पर जो सिफात होती है वो मजाजी होंगी और अल्लाह ताला की सिफात क्या होगी, हकीकी होगी।